वेलकम बैक। ये हमारे सॉलिडवर्क्स कोर्स की पहली वीडियो है जिसमें हम सॉलिडवर्क्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन अपकमिंग वीडियोस हम सॉलिडवर्क्स को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सॉलिडवर्क्स एक सॉलिड मॉडलिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डिसॉल्व सिस्टम का एक प्रोडक्ट है। डिसॉल्व सिस्टम एक फ्रेंच सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन है जो कि 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन, सिमुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। सॉलिडवर्क्स का जो पहला वर्जन लॉन्च हुआ था वो अराउंड 1995 को लॉन्च हुआ था और वो था सॉलिडवर्क्स 95। अभी जो सॉलिडवर्क्स का लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है वो सॉलिडवर्क्स 2022 है। अभी तक सॉलिडवर्क्स के 30 वर्जन जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। उसके बाद डिसॉल्व सिस्टम सॉलिडवर्क्स कॉरपोरेशन ने अराउंड 3.5 मिलियन लाइसेंस सॉलिडवर्क्स के जो हैं वो वर्ल्ड वाइड सोल्ड किए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो एजुकेशनल लाइसेंस की है। सॉलिडवर्क्स में जो मॉडल स्टार्ट होता है वो यूजुअली 2D स्केच से स्टार्ट होता है, जबकि 3D स्केच भी पावर यूजर में अवेलेबल है। स्केच में जो है वो पॉइंट लाइंस, आर्क और स्प्लाइन वगैरह जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में जो है वो डायमेंशन जो है वो हम स्केच के दौरान ही दे देते हैं। मतलब यह है कि जैसे हम कोई स्केच ड्रा करते हैं तो उसमें डायमेंशन उसके साथ ही दे देते हैं, जबकि सॉलिडवर्क्स में एक अच्छा फीचर ये है कि हम डायमेंशन जो है वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करते हैं। मतलब जैसे हम कोई स्केच ड्रा करते हैं हम उसी टाइम ही डायमेंशन दे सकते हैं, उसके बाद हम स्केच ड्रा होने के बाद भी हम उस डायमेंशन को चेंज या एडिट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद सॉलिडवर्क्स में जो मेन फाइल्स यूज़ होती हैं वो SLDDRW जो कि सॉलिडवर्क्स ड्राइंग फाइल है, उसके बाद SLDPRT जो कि सॉलिडवर्क्स पार्ट फाइल है, देन SLDASM फाइल जो कि सॉलिडवर्क्स असेंबली फाइल है। ये तीन मेजर फाइल जो हैं वो सॉलिडवर्क्स ही यूज़ होती हैं। देन सॉलिडवर्क्स की कुछ एप्लीकेशन हैं। सॉलिडवर्क्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में एक मेजर सॉफ्टवेयर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसमें सबसे पहले एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, मोल्ड एंड टूल डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, शीट मेटल वर्क, प्रोसेस प्लांट, एनर्जी कंजर्वेशन, कंस्ट्रक्शन, मेटेरियल टूल्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन और अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस्तेमाल होता है। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनमें सॉलिडवर्क्स एक मेजर सॉफ्टवेयर के तौर इस्तेमाल होता है। देन सॉलिडवर्क्स के कुछ अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम सॉलिडवर्क्स की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले फ्यूजन 360 आता है, ऑनशेप है, इन्वेंटर है, सॉलिड एज है, स्केचअप, क्रियो, ऑटोकैड और फ्रीकैड। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं सॉलिडवर्क्स की जिनको हम सॉलिडवर्क्स की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ओवरव्यू होता है। सो हम यहाँ से जो है वो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये तीन तरह के ऑप्शन होते हैं, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग का। पार्ट में जो है वो एक सिंगल कंपोनेंट होता है 3D में। सबसे पहले हम पार्ट डिज़ाइन करते हैं, देन उसके बाद हम उसकी असेंबली भी कर सकते हैं और उसके बाद उसकी ड्राइंग वगैरह भी बना सकते हैं। ड्राइंग जो कि 2D में होती है, टेक्निकल ड्राइंग। सो उसके बाद पार्ट से हम जो है वो असेंबली बनाते हैं, जिसमें जो है ना वो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं और असेंबली में जो है वो मूविंग पार्ट्स वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। देन उसके बाद असेंबली की भी जो है ना वो ड्राइंग फाइल हम बना सकते हैं। तो पहले हम जो है वो पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे सॉलिडवर्क्स ओपन होता है तो हमारे पास ये उसकी जो है ना वो मेन विंडो शो होती है, जिसमें ये हमारे पास इसकी वर्क स्पेस है जहाँ पे हमारी जो है वो ड्राइंग या डिज़ाइन वगैरह विजिबल होता है। उसके बाद ये जो स्पेस है यहाँ पे हम जो भी कमांड वगैरह यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास शो रही होती हैं कि हमने कौन कौन सी कमांड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की होती है। उसके बाद ये हमारे पास मेन्यू बार है, टूल्स, जहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं, ये फीचर कमांड हैं काफ़ी सारे, तो ये हमारे जो है ना वो 3D के लिए इस्तेमाल होती हैं। देन ये स्केच हैं जिनमें लाइन, सर्कल, स्प्लाइन और काफ़ी सारे दीगर टूल्स हैं। उसके बाद ये सरफेस मॉडलिंग, शीट मेटल और इसी तरह से बाकी जो है ना वो टूल्स वगैरह शामिल हैं, जिनको हम जो है वो टाइम टू टाइम डीपली स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।